शमशाबाद में आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश में फ्लैग मार्च निकाला गया। वहीं एसडीओपी अजय मिश्रा ने सशक्त सीमा बल एवं जिला पुलिस बल विदिशा को चुनाव को देखते हुए दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद शमशाबाद क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थानों में एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसमें कस्बा शमशाबाद में वर्धा सांगुल सतपाड़ा हाट बाडेर हिनोतिया माली में एरिया डोमिनेशन किया गया। शमशाबाद क्षेत्र में जो संवेदनशील स्थान हैं बबचिया सांगुल अपने सतपाड़ा और जो SST पॉइंट है वर्धा जो बड़ा गांव है वहाँ का सबसे और साथ में ही जो SST पॉइंट है नहरियाई और भैया के इन स्थानों पे जो पैरामिलिट्री हमारा फोर्स है इसके साथ में और तहसीलदार साहब के साथ में फ्लैग मार्च जो है किया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है प्रशासन की? सभी जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं वो क्षेत्रों को तो भ्रमण कर ही रहे हैं, साथ ही जो क्षेत्र के बदमाश हैं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से शराब जो बिकने के स्थान हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और जितने पूर्व के क्रिमिनल्स हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन सभी को बाउंड ओवर कराया जा रहा है और जिला मदर के प्रकरण भी प्रस्तुत किए गए। देखिए जो चुनाव हमारे 2023 के 17 नवम्बर होने वाले हैं शमशाबाद में, इसमें शमशाबाद थाना क्षेत्र में कुल 106 मतदान केंद्र हैं जिसमें 40 मतदान केंद्र क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं और माननीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार उसमें न केवल कैमरे लगाए गए हैं बल्कि उसमें अतिरिक्त बल भी प्रदाय किया गया सुरक्षा के लिए।